वो तो पुराना हो गया अभी, बजेगा तो नाचो के सबसे ज्यादा। हेलो हेलो बड़ा घूम फिर हेलो 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 एक दिन आप लोग खड़े हो जाएंगे थोड़ा विजुअल पूरा झूम जाता है प्रकाश थोड़ा विजुअल्स ले लेना हेलो हेलो वेट वेट हेलो वेट चलो रोल आगे हेलो 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 सर एक सोलो सोलो दे दो यार। हेलो हेलो आशी मोबाइल हेलो हेलो अरे इसकी आवाज़ क्यों बन रही है उसका आवाज़ नहीं बन रहा है उसका बाहर मिसी रेडी ना हाँ कुछ चीज़ें होती है ना आज भी थोड़ा कॉन्शियस देना जब बात करवा लो आप ये अपने वाले बोलो हेलो हेलो मत हेलो हेलो ये हमें चल स्टार्ट कर लो हमें ये पकड़ा रहा उससे बात बस दुआ करता हूँ कि आप सबको ये दिल देखिए देखो जरा स्टार भारत जो है उनकी नई टैगलाइन उनका नया कॉन्सेप्ट उनका पूरा इवेंट हुआ Well, आज आपका प्रोमो तो हमने देखा लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं बबल की सीरियल का नाम जो अजूनी है लोग सबसे पहले यही सोचेंगे कि इसका मीन्स क्या है सो आप दोनों से जानना चाहेंगे अजूनी का मतलब है अनंत जो विरला ही पैदा होता है विरला मतलब रेयर जो पंजाबी में इसे विरला कहते हैं एक भगवान का ऐसा यू नो ऐसे जो भेजते हैं ना भगवान अपने अपने रूप हर हर इंसान में तो वैसा ही एक अजूनी का मतलब है कि मतलब भगवान का रूप लेकिन बिरला अनंत है रेयर है हाँ बहुत सारी मीनिंग्स है। वेल हमने देखा प्रोमो में बहुत कुछ एक अलग ही कैरेक्टर आपका दिख रहा है इसके पहले भी बहुत सारे कैमियो देखे लेकिन इसमें कुछ एक अलग अवतार दिख रहा है जब आपको ये पता चला कि आपको ये रोल प्ले करना है तो कैसा रिएक्शन था? रिएक्शन काफ़ी टाइम हो गया था मुझे भी मैं लास्ट शो था मेरा 2019 में एंड देन उसके बाद था मेरी ख्वाहिश कि अगर मैं कुछ कमबैक करूँ कुछ धमाकेदार होना चाहिए और जब ये रोल मुझे आया ऑफर हुआ मैंने पूरा निर्देशन भी सुना तो ये सबसे डिस्कस किया दीपिका से डिस्कस किया घर पर डिस्कस किया देन फिर ये लगा कि नहीं अगर ये शो होता है वर्कआउट होता है तो ये एक ऐसा कैरेक्टर है राजवीर का जिससे मैं कमबैक करना चाहूँगा और कुछ नया होगा मेरे लिए भी और सारे ऑडियंस के लिए भी जो अब तक मुझे उन्होंने कभी इस तरीके से इस रूप में नहीं दिखाया तो वो अब दिखेंगे इसमें। वेल आपकी कैरेक्टर की बात की जाए तो हमने प्रोमो शूट में देखा है जिस तरीके से जब वो बारात लाइक जैसे आ रहे हो आप तो कितना कुछ एंजॉयमेंट तो हाउ मच डू यू लाइक योर कैरेक्टर? मेरा जो कैरेक्टर है मुझे पर्सनली मैं कहीं ना कहीं फील करती हूँ कि मैं रियल लाइफ में भी ऐसी ही हूँ इंजॉय करती हूँ हर चीज़ खुल के जीती हूँ और जहाँ कुछ गलत होता है तो उसके लिए लड़ती हूँ और अजूनी भी एक ऐसी कैरेक्टर है उसे बचपन से उसके पेरेंट्स ने यही सिखाया है कि गलत के लिए लड़ो हिम्मत नहीं हारो तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर प्ले कर रही है अभी कि सामने इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर ऑलरेडी है और उसको उस चीज़ से लड़ना है अपनी फैमिली को बचाना है तो वो सब चीज़ें थोड़ी जो कैरेक्टर है मुझे काफ़ी रिलेट हुआ बट जो स्टोरी है वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी काफ़ी ओवरवेलमिंग लगी कि हाँ दिस इज समथिंग न्यू और मैं
अच्छे से पोर्ट्रे कर पाऊंगी अपने सारे इमोशंस, एंगर से लेके सब कुछ. तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी अजूनी के कैरेक्टर के बारे में, तो तब आई डिसाइडेड कि यू नो आई विल गिव इट अ ट्राई. ये जो राजवीर का कैरेक्टर है, लेकिन हम रियल लाइफ की बात करें तो आप वाकई इसके पूरे ऑपोजिट हो. लेकिन जब ये कैरेक्टर की पकड़ने की बात आती है, जब जिस तरीके से डायरेक्शन मिलता है, नहीं नहीं आपको ऐसा ये स्ट्रांग ही रहना है, तो ऐसा कुछ कोई किस्सा हुआ था? हाँ, स्टार्टिंग में डेफिनेटली, हालांकि जब मॉक शूट किया था हम दोनों ने साथ में किया था मॉक शूट, तो एज एन एक्टर जब आप स्क्रिप्ट पढ़ते हो ना तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं, अच्छा ये कैरेक्टर क्या बोल रहा है. बट जब मॉक शूट हुआ उसके बाद हम सेट पे गए, तो वहाँ पे जो हमारे क्रिएटिव्स हैं लाइक त्रिवेन जी हो गए, योगी से जो डायरेक्टर, उन लोगों ने मुझे बहुत हेल्प की कि नहीं हमने इसको ऐसा इमेजिन किया. लाइक जो त्रिवेन जी हैं, उन्होंने पूरा जिया है ये शो, जब से वो शो लिखा होगा चीज़ें होंगी, एज ए क्रिएटिव ने पूरा जिया है कि नहीं यार इतना ऐसा ऐसा ऐसा. तो वहाँ पे उन्होंने अपनी इमेजिनेशन बताई कि यार शोएब ना हम राजवीर को ना हम ऐसा सोच रहे हैं, वो ऐसे चलेगा, वो ऐसे देगा. तो उसको मैंने वो उनके इमेजिनेशन को अपने अंदर ढालने की कोशिश करी है. यस, स्टार्टिंग में 4-5 दिन थोड़ा सा मुश्किल हुई थी, बट हमने करते करते और अभी आज मेरे ख्याल से सेट हो गया, हम दोनों ही कैरेक्टर सेट हो गया. हमें पता कि अच्छा हमें कैसे चलना है और कैसे देखना है और कैसे बात करनी है. आयुष, अगर मैं आपकी बात करूँ तो लाइक कैरेक्टर्स तो लाइक एकदम स्ट्रॉन्ग दिया है कि नहीं ये लड़की ढक के कैसे भी जवाब तो देगी देगी, तो ये वाला फील क्या इजीली आता है? नहीं, कहीं ना कहीं मैं बहुत इमोशनल भी हूँ पर्सनली, तो जो ये वाला फील है मुझे काफ़ी ब्रीफ चाहिए था उस चीज़ के लिए. पर्सनली भी मुझे बहुत ब्रीफ चाहिए था. तो अभी भी कभी मुझे ऐसे किसी भी सीन में डाउट होता है ना, तो हम लोग पहले डिस्कस करते हैं वो योगी सर से या जो भी डायरेक्शन दे रहा है उससे, जिससे भी जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं अच्छे से वो कैरेक्टर और जितना ज़्यादा समझना चाहती हूँ मैं समझ पाऊँ, और आगे चल के भी क्या क्या रूप अलग अजूनी के आने वाले हैं, क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, वो सब मैं पहले से ही यू नो एक अपने अंदर ग्रैब करके रखूँ कहीं ना कहीं, कि जितना तुम उसको जियोगे ना उतना तुम और अच्छा कर पाओगे. तो लिटरली आई स्टार्टेड अजूनी जैसे ही सोचना अब, तो वो धीरे धीरे ढलता जा रहा है उसी वे में कि कैसे कितनी स्ट्रांग बनना है उसे, इमोशंस भी है लेकिन वीक नहीं दिखना है. तो वो सब चीज़ें ना जब आसपास वैसा माहौल होता है, जब लोग तुम्हें उतनी अच्छी डायरेक्शंस दे, उतना अच्छा ब्रीफ दे, तो वो बहुत ही अच्छे से हो जाता है पॉजिटिवली. वेल, शादी के बाद तो ये एक बार फिर से ऐसा ही कुछ एक रोल प्ले करने मिला है. जब हमने देखा प्रोमो में कि आप आते हैं उसी बीच पगड़ी एंड ऑल, क्या शादी वाले दिन याद आए थे? अरे नहीं नहीं, तो इतना हेक्टिक था, मतलब उस दिन क्या ही शादी वाले दिन याद आएंगे. उस दिन तो इतना हेक्टिक था, नाइट शूट हम कर रहे थे और प्रोमो था 30 सेकंड्स का, लेकिन उसको शूट करने के लिए पूरी रात लगी थी. और वो सबसे इम्पोर्टेंट था हम लोग के लिए, क्योंकि वो सबसे पहले ही वही चीज़ ऑडियंस के सामने आने वाली थी प्रोमो, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट था हमारे लिए उस वक्त. सही कैरेक्टर जो हम प्ले कर रहे हैं वो एग्जैक्टली वो वहाँ तक पहुँचना चाहिए. तो नहीं यार, शादी भाई ढूंढने थोड़ी भी थी मेरी, मुझे शादी बहुत अच्छे तरीके से हुई थी. रोल आपका भी एक लीड रोल है, तो इसमें लाइक पूरी ज्वेलरी रियली डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट्यूम, हाउ मच डू यू एंजॉय दैट? सो मैं एक्चुअली ड्रेसअप करना मुझे बहुत पसंद है. एक्टिंग से पहले मैं मॉडलिंग भी कर चुकी हूँ, आई यूज़ टू डू. तो उसमें भी काफ़ी बार ऐसे सीन, ऐसे फोटोशूट्स हुए हैं जिसमें मुझे पूरा ब्राइड लुक एंड ऑल, तो मुझे वो बहुत पसंद है. आई लव ड्रेसिंग अप, आई लव ज्वेलरी एंड ऑल डिफरेंट डिफरेंट, बट मुझे स्टाइलिंग अच्छी हो तो मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाती हूँ. तो वो सब चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती है, बट पूरी रात इसे पहन के रखना बहुत ही टायरिंग फील होता है. इतना कुछ पहना है, यहाँ से चुभ रहा है, यहाँ से चुभ रहा है, तो इट इरीटेट्स यू समटाइम्स, बट यू नो जब भी टाइम मिले यू रिमूव इट एंड थोड़ा बहुत खुद ही ध्यान रखो अपना, वही करते हैं. व्लॉग्स में तो हमने देखा है दीपिका हमेशा हर अपडेट देती रहती थी कि हाँ आज मेरी शोएब से बात हो रही है, सो मैंने बात किया है, ऐसा ऐसा डिस्कशन हो रहा है. तो जब ये सब सीन्स चालू थे, क्या आपका लाइक ऐसे आप बता देते थे सभी चीज़ें या फिर वेट करते थे नहीं सरप्राइज देंगे? नहीं नहीं, मैं हमेशा आई थिंक मुझे ऐसा लगता है जितना ज़्यादा आप लोगों की ओपिनियन लोगे अपने कैरेक्टर को लेकर, आप इसको पोर्ट्रे करो, बट एज अ थर्ड पर्सन जब सामने वाला इंसान देखता है समझता है, तो आपको ओपिनियन ही मिलती है. मुझे लगता है कि सुनना बहुत ज़रूरी है. जितनी ओपिनियन है आप लोग जो आपको लगता है कि सही है तो हाँ वो आप लोग, जो आपको लगता है कि नहीं यार ये शायद नहीं जाएगा तो आप ही लो. बट दीपिका सर मैं हर चीज़ डिस्कस करता हूँ, इवन जब कोई इंपॉर्टेंट सीन भी होता है मैं दीपिका मैं ऐसे सोच रहा हूँ यार मैं ये करूँ ये करूँ ये करूँ, फिर बोलती है तुम जी रहे हो तुम करो फिर बोलती है नहीं नहीं शेर ऐसा वैसा. तो मैं उससे हाँ हर चीज़ डिस्कस करता रहता हूँ, उससे हर चीज़ शेयर करता रहता हूँ कि यार आज ऐसा है, आज का इंपॉर्टेंट सीन है, आज बहुत लाइक वो इंगेजमेंट वाला सीन था, ये ऐसा है वैसा, तो बस उसके भी इनपुट्स आते रहते थे. जब ओपिनियन और डिस्कशन की ही बात आई है तो फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ ने बहुत सारे ओपिनियंस दिए होंगे, क्या कुछ इसमें से कुछ शेयर करना चाहोगे आप लोग?
देखो जो आपके खास होते हैं ना वो आपको अच्छा ही अच्छा ही बोलेंगे, तो लाइक फैमिली हो गए, फ्रेंड्स हो गए, सबको पता है, सब जानते हैं इस तरीके से आया है ये शो। हम दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है, हम सबके लिए शो बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो सबके अच्छे रिएक्शन थे क्योंकि प्रोमो वाकई में अच्छा निकला है। जो हम जैसे मैंने बोला कि जो हम कैरेक्टर बताना चाह रहे थे, जो हम शो को एक प्रोमो के बेस पे हम बताना चाहते हैं कि हमारी स्टोरी क्या जाने वाली है, वो एक्चुअली लोगों को समझ में आ गया। प्रोमो देख के ही उन्हें समझ में आ गया कि क्या होने वाला है, हमें अलग से एक्सप्लेन ही नहीं करना पड़ा, तो दैट इज वेरी इंपैक्टफुल। अब बस वेट है आप सबके देखने का, क्योंकि आप एज एन ऑडियंस हमें रिएक्शन दोगे, हमें बताओगे क्या कैसा है। बाकी मैं अपनी मॉम से पूछती रहती हूँ तो वो मुझे काफ़ी इंस्पायर करती है कि अगर कहीं भी, वो मुझे यही कहती है कि अगर तुम्हें कभी भी किसी कैरेक्टर में कुछ भी प्रॉब्लम हो रही हो तो तुम राइटर से पूछ लो, तुम डायरेक्टर से पूछ लो, और एंड आई डू दैट कि कभी मुझे कोई प्रॉब्लम हो या अपने फ्रेंड्स को मैं बताती हूँ कि आज मैंने ऐसे किया, जो भी मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं तो वो भी मुझे कहीं ना कहीं, जो एक्टर्स हैं मुझे कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं, या दे आर द ओनली वन जो मुझे मेरी गलतियाँ बताएंगे, बाकी फैमिली तो दे विल प्रेज यू एवरी टाइम। राइट, एज वेल एज शूट इतने दिनों से चालू है, क्या एक दूसरे की कोई टॉप सीक्रेट्स को शेयर करना चाहोगे? लाइक हम तो हमेशा ही लाइक टॉप सीक्रेट्स हम शेयर करेंगे, हाँ पता भी होंगे तो भी हम नहीं करेंगे। नहीं नहीं, ऐसे कोई टॉप सीक्रेट अभी है भी नहीं, हम लोग बस एंजॉय करते हैं, सीन रिलीज करते हैं, एंजॉय करते हैं, मस्ती बड़ा करते हैं, और ज़्यादा अभी इंटरेक्शन उससे हुआ नहीं है। ये चीज़ आप 6 महीने बाद आओगे तो हम शायद पोल खोलेंगे, जिसकी याद खराब लगती है, ये बोलेगी नहीं मुझे याद खराब लगती है। एज वेल एज लाइक हमने देखा कि जिस तरीके से आपका एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, सो मैं आयुषी से जानना चाहूँगी, आयुषी क्या इनके कैरेक्टर के साथ साथ कोई चंगे मंगे, लाइक हमेशा ऐसे कैरेक्टर के साथ दो फ्रेंड्स तो होते हैं। होते हैं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग, मतलब उनको देख के ही मुझे ऐसे ना यार कितने क्यूट है दोनों, दो दे वो लोग हैं गुंडे लेकिन मतलब हमारी पूरी फैमिली जब हम लोग शूट कर रहे होते हैं तो कभी कभी हमारा बैक शॉट होता है तो हम लोग उनको देख के अलग ही फील कर रहे हैं, बट बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं, और आप सब भी उनको ना ऑन स्क्रीन बहुत पसंद करोगे। वेल अब तक जितने भी शूट, जितना भी शूट हुआ है, सबसे बेस्ट मोमेंट अब तक आपको कौन सा लगा है? शूट का बेस्ट मोमेंट बताओ आपके लिए कौन सा? तुम बताओ। अरे आप बताओ ना। मेरे लिए तो मेरा फर्स्ट डे बेस्ट था, जितने भी हमने सीन्स किए वो, मतलब जो उस दिन फील आया है करने में, और पहला दिन था हमने वाहेगुरु, हमने गुरुद्वारे से शुरू किया और बहुत अच्छा फील आ रहा था। मतलब मैं चाहती भी थी कि मैं शो से पहले एक बार गुरुद्वारे जाऊं, जो मैं कह रही थी सबको कि मुझे जाना था, पर टाइम नहीं मिल पाया, सिंस सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हो गया, और जब मुझे पता चला कि पहला सीन ही हम गुरुद्वारे से करें तो मैं बहुत ही ग्रेटफुल थी कि थैंक गॉड वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम गुरुद्वारा। और बस मेरे लिए आई थिंक हर सीन उतना ही मज़ेदार है, हाँ। क्योंकि हमने हर सीन में जो है ना, मैं अभी मैं क्या बताऊँ मैं आपको, हर एक सीन चाहे वो एंट्री शॉट से हो, मिलने के शॉट से हो, जो हमने वो मॉन्टाज पूरा हाँ, शूट किया वो बहुत, और वो शिट मैं भूल ही गई, हमारी मॉन्टाजेस इतने प्यारे शूट हुए हैं, वो बहुत प्रिटी, मतलब सारे सीन्स ही इतने प्रिटी शूट हो रहे हैं ना, तो वो एक जो वाइब्स आ रही है। क्या होता है ना कि जब हम सेट पे शूट कर रहे होते हैं ना, तो हमारे जो डायरेक्टर हैं योगी शर्मा, वो हर सीन के मूड के हिसाब से बैकग्राउंड में गाना प्ले करते हैं, वो बहुत तो सही हमें उस वक्त शूट करते हुए इतना अच्छा लगता है, वो फील आता है कि चाहे वो, उन्हें पता है मुझे शाहरुख खान के गाने पसंद, तो कभी वो वीर ज़रा गाना लगा देंगे, कभी वो एक बड़ा ही KGF का, जब कोई एंग्री वाला होगा KGF का म्यूजिक लगा देंगे बॉक में, ये वो, तो माहौल बन जाता है पूरा साइड पे, बट वो सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक और क्वेश्चन, एक प्रोमो में हमने देखा कि आप जब वो पतंग उड़ा रहे हैं, क्या वो दिन याद आ गए जब बचपन में वही सब करते थे? क्योंकि हमेशा हमने आपको क्रिकेट खेलते हुए देखा है, हाँ, आपके ज्ञान के साथ रहे। मैं पतंग ज़्यादा नहीं उड़ाई है, बट हाँ थोड़ी सी मेरे मामू हैं, सबसे छोटे अहमद मामू, वो पतंग उड़ाया करते थे, तो उनकी मैं चक्री पकड़ के पीछे खड़ा रहा करता था, और कभी कभार जब पतंग प्रॉपर उड़ जाया करती थी मुझे थोड़ी देर छोड़ दिया करती थी, बट उस दिन मैंने खुद उड़ाई थी पतंग। यस, लास्टली उन सभी फैंस के लिए क्या मैसेज होगा जो इतना प्यार दे रहे हैं आप सभी को? एज वेल एज शोएब, एक और एक क्वेश्चन है, आपके व्लॉग में हमने देखा था, आपने कहा कि ऑनलाइन तो आप सभी देखते ही रहोगे हम सबका सभी प्रोमो, लेकिन प्लीज़ शो को भी TRP जरूर करते रहो। यस यस यस, क्योंकि कितना ज़रूरी है, प्लीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं हम सब, और सिर्फ हम नहीं, जो एक्टर्स आपको टेलीविजन पे, TV के पर्दे पे दिखते हैं, उसके पीछे कम से कम 100 से 125 लोग का यूनिट है,
हर किसी के घर चलते हैं, हर कोई मेहनत करता है दिन रात 12 घंटे। हम तो फिर भी थोड़ा सा हमें लग्जरी मिल जाती है, शॉर्ट नहीं होता तो हम वैन में बैठ जाते हैं, हम जल्दी निकल जाते हैं, वो शूट से 1 घंटे पहले आते हैं, फिर 1 घंटे बाद जाते हैं, तो हर एक का बहुत मेहनत है। और हर इंसान दिल से बस यही दुआ चाहता है कि ये शो चले और टीवी पे ही, क्योंकि ऑनलाइन सी हम टेलीविजन पे ला रहे हैं, अगर हमें वेब में लाना होता तो हम इसको वेब में लेके आते हैं, हम इसको ऑनलाइन लेके आते हैं, सिर्फ व्हाट्सएप पे लेके आते हैं, बट टीवी पे आ रहा है और जिसका जो मीडियम है इंसान को उसी में ही देखना चाहिए। तो प्लीज़ टीवी पे ज़रूर देखिए, और रिपीट पे भी नहीं, टीवी पे रिपीट पे आप देखिए, वो एक अलग चीज़ है, 8:30 बजे देखना है, क्योंकि अब वेट नहीं हो रहा है, तो कल से आप अजूनी देखिए रात 8:30 बजे ओनली ऑन स्टार भारत, और प्लीज टीवी पे ही देखिएगा। यस, ये रिक्वेस्ट है, प्लीज। और जैसे आज तक आपने इतना प्यार दिया है सबको और शोएब को और शोएब के सारे शोज को, और तो हम और प्यार एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम पूरी टीम प्यार चाहिए, हम सबको प्यार चाहिए, स्टार भारत को प्यार चाहिए, सबको चाहिए, तो प्लीज टीवी पे ही देखिए और बस टीवी पे ही देखिए। थैंक यू थैंक यू।